जय माँ भगवती। दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से, और अभी मेरी तैयारी हो रही है गाय के साथ जाने की, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गाय के साथ और शिशु रहेगा घर में काम वगैरह करेगा ना, और गाय ले जाना भी जरूरी है, तो इसलिए मैं तो गाय ले जा रही हूँ और शिशु करेगा घर के काम। क्या पता वो ब्लॉग बनाए या ना बनाए, मुझे नहीं पता। और बाकी अगर मैं आ जाऊँगी गाय लेके टाइम से, तो आगे का ब्लॉग मैं ही बनाऊँगी। तो अभी हम आ रखे हैं बारात घर में, ये हमारा गाँव का बारात घर जहाँ हम बर्तन लेने आ रखे हैं, और भैया बर्तन निकाल रहे हैं बाहर से, अंदर से, सॉरी। भाभी नहीं आई क्या अभी? अच्छा, तो कुछ ऐसा है हमारे गांव का बारात घर। अभी उस पर कलर हुआ है ना, तो इसलिए जो लिखा हुआ था वो मिट गया है, अभी लिखा नहीं दोबारा से। और कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से हमारा गाँव। और इस साइड तो धूप आ गई, और हमारी साइड तो अभी बिल्कुल ठंडा हो रखा है। तो बर्तन लेके तो आ गई मैं, और मैं बना रही हूँ रोटी, और ठंड के मारे मेरा मुंह पूरा लाल हो गया। तो साक्षी तो चली गई गाय के साथ, आय का व्लॉग बनाने की जिम्मेदारी अब मेरे को मिली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, आज ताईजून के घर की पूजा है, मतलब नया नया घर बना है, मैं बताता ही रहता हूँ आपको। तो उसी के चक्कर में पूजा, आज नए घर की पूजा हो रही है। तो आज पूरा गांव खिला रहे हैं, मतलब ताईजू सारे गांव के लोग आएंगे, खाना वाना खाएंगे, मतलब पार्टी टाइप की हुई। तो गांव में तो यही होता है कि सारे गांव के लोग मिलकर आते हैं, खाना वाना खुद ही बनाते हैं, खुद ही सारा काम करते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होती। तो सुबह से ही सारे लोग आ गए, अभी फ़िलहाल दिल के 12-1 बज चुके हैं, और मैं भी अभी तक थोड़ा बहुत काम कर रहा था, तो अब जाके मेरे को टाइम मिला है व्लॉग बनाने का। तो आय का व्लॉग बना दूंगा, बाकी जब साक्षी आएगी तो फिर उसका काम उसी को सौंप दूंगा, और आगे का व्लॉग फिर वही बनाएगी। तो खाना बनने की तैयारी तो शुरू हो गई, सभी लोग लग गए रोटी बनने पर, काफ़ी लोग आ गए, और काफ़ी लोग तो सुबह सुबह ही आ गए थे, काफ़ी जल्दी आ गए थे, और आधे लोग यहाँ पर बैठे हुए, और सभी को चाय भी बांटती, जो कि मैंने ही बांटी अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पर आटा भी गूंथ रखा है, सभी लोग रोटी बनाने पर लग गए। हवन हो रहा है अंदर, हवन भी चालू है, तो अभी शुरू नहीं हुआ, अभी जब होगा तब दिखा दूंगा। फिलहाल तो यहाँ पे खाना बनने की तैयारी चल रही है, इतनी सारी रोटियाँ बन भी गई और भी बनेगी अभी। कौन? भाभी सिर्फ चाय पीने आ रही है, बाकी सभी लोग काम पे लगे हुए इधर। पहले चाय उसके बाद काम। चार गिलास चाय, और बाकी इधर चले तो इधर भी सभी लोग काम पे लगे हुए हैं अपना, और यहाँ पे बन रहा है खाना। ये देखो यहाँ पे मस्त धूप लगी हुई है, मस्त लग रहा है यहाँ पे, मस्त धूप भी लगी हुई है। ठंड के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वरना यहाँ पे अच्छे से वो लगाते टेंट वेंट टाइप का, लेकिन अभी यहाँ पे खाना बन रहा है। इसमें बन रही है दाल, और उधर बन रही है सब्जी, बाकी ये पनीर भी रखा हुआ है यहाँ पे, और क्या क्या बन रहा पापा? मिक्स वेज, अच्छा मिक्स वेज और छोले। अच्छा, चेक के बताएंगे भैया कैसा हो रहा है, चेक अधिकार ठीक हो मस्त। अभी हम भी देखते हैं बाद में कैसा बन रहा है, फिलहाल तो मिक्स वेज और दाल बन रही है यहाँ पे। और ये हम क्या हलवा है, ये हम हलवा है, इसमें हलवा भी रखा हुआ है, बाकी यहीं पे बन रहा है सारा खाना वाना, बर्तन वर्तन सब भी यहीं पर है, और इधर लगे हुए सभी काम पर, बाकी आधे लोग छत पर भी है ऊपर। तो गाय के साथ से तो मैं आ गई, और खाना पीना सब कुछ हो गया, सबने खा लिया, और मैं अब आ रही हूँ। भैया भाभी खा रहे हैं खाना, और सबने खा लिया, बर्तन भी खाली हो गए, और लास्ट में ब्लॉगर भाई खाना खा रहा है। तो अब चलते हैं बर्तन धोने वालों के पास। यहाँ पे सारे जोशी परिवार के लोग, और वो दीदी बर्तन धो रही है, और ये सारे बर्तन पंचायती बर्तन है, और सब चमका रहे हैं इनको गांव में। हमारी पतिला चावल का भी आ गया है, गांव में हलवाई वगैरह ऐसा, हलवाई तो आ रहे हैं पर बर्तन ऐसे ही धोते हैं। तो अब सारे काले काले बर्तन ये सब धोएंगे, और ये तो धुल चुके हैं, अब इतने रह गए हैं। बोड़ी कान उड़ा ची पांडे दोड़ा, बोड़ी कान उड़ा पांडे दोड़ा, बस मेरे भीतर खाना, बस
और बर्तन धोने के लिए चूल्हे पे गर्म पानी भी हो रहा है क्योंकि गर्म पानी से जल्दी आ जाते हैं ना बर्तन। तो अब सभी लोग यहाँ पे बर्तन धो रहे और सभी ने खाना खा लिया। मैं अब खाऊंगी खाना। कख लगाने पे बस। तो मैं तो अब खाऊंगी खाना और तब तक ये सभी लोग बर्तन रखने जा रहे हैं। दीदी बाबू सब बारात घर में जा रहे हैं। तो सभी लोगों ने सर में बर्तन रख लिए। ये सारे बर्तन ऊपर ले जा रहे हैं जहाँ से सुबह से लाए थे, मतलब वहाँ बारात घर में। तो कुछ बर्तन तो आ गए और कुछ पहले रख के आ गए थे। और कुर्सियाँ भी लिमी बीबी सोनी बस हाँ सब है। तब अंदर कब रखने हैं बर्तन? जो से चमका के आ जाने। तो ये भट्टी वगैरह भी आ गई। और ये को क्या बोल दी बहू? ये को क्या बोल दी? उनका कुछ और बोले ना, ना कुछ चाशनी कुछ है ना चाशनी बोल दी। हाँ और वो भट्टी है और वो दादा दादी वहाँ घाम ताप रहे वो इधर। तो कुछ ऐसा है यहाँ बारात घर के अंदर। ये सारे बर्तन कुछ अभी नए ला रखे हैं, कुछ पहले से चल रहे और इस ये पानी के लिए होता था। अब तो लोग टंकी का यूज करते हैं, पहले पानी के लिए होता था। इसे बोलते हैं बारी। कुछ मतलब पुराना यही दिख रहा है, बाकी तो सारे नए बर्तन। अरे को क्या बोली बोली तौल सॉरी इसके लिए ग्यारह बोलते हैं और इसे बारी बोलते हैं। तो ये है हमारे गांव के टेबल स्टूल। इन्हें शादी में मतलब पार्टी में ले जाते हैं बैठने के लिए, खाना खिलाने के लिए और क्या क्या सामान। जगह इतना बड़ा है हमारा बारात घर, हमारे गांव का बारात घर। और घड़ी भी लगा रखी है वहाँ पे। सारा सामान यहाँ बारात घर का, सारे गाँव का सामान है। और यहाँ एक चीज थी, अभी दिखाती हूँ मैं। तुमने नहीं देखा यहाँ पे मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। पता नहीं कितना शहद था पर अनगारा आए और सारा खा गए। देख लो अब टूट गया रुपए पड़े जो चल कितने शहद भुरू चे चलो शहद खाओ कल खाना शहद नहीं खाना तुम। अरे ये छक बड़े शहद गए वही तो। तो अभी बर्तन को जब भी ले जाते हैं तो एक पर्ची में लिखे जाते हैं कि कितने बर्तन गए कितने, तो इसलिए अभी जिनके बर्तन बर्तनों को अंदर रख रहे हैं। तो सभी लोगों ने अब खाना वगैरह बर्तन वगैरह धो के अब सभी लोग चाय पी रहे हैं। और ये बचा हुआ खाना था तो इसे घर के लिए सबको बांट रहे हैं और चाय पी रहे हैं सब। हमेशा ऐसे होता, काम करने के बाद पहाड़ियों की चाय जरूर पियेंगे है ना। तो अब सारा काम निपट गया। मैंने सोचा एक फंची गोबर फेंक के और फिर वहां से खेलने जाऊंगी पिट्ठो। तो अभी बज रहे हैं रात के 8 और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और मैं मझला सोने भी आ गई हूँ। और आज का ब्लॉग आधा मैंने बनाया था, शिशु ने बनाया क्योंकि मैं गाय के साथ चली गई थी। तो कुछ वीडियो शिशु ने बनाई है, मुझे पता भी नहीं कि उसने कैसा बनाया, क्या पता उसने बस रिकॉर्ड किया होगा। अब वो तो बाद में ही पता चलेगा। बाकी आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।